मुझे आलिया रशीद के नाम से दुनिया जानती है। मेरी पैदाइश दुबई में हुई। बचपन से मुझे म्यूजिक का शौक था। सानू 4 महीने की हुई सी तो पता चलिया सी कि नजर नहीं आता बच्ची नू। महीने की सी तो शुरू हुए सीरा इलाज करवाने दुबई च पैदा हुई सी मेरी बच्ची। फिर कोई डॉक्टर नहीं छड़िया, बस उन्होंने यही कहा सी बच्ची का पिछे नूर कोई नहीं, अख का शीशा अगे बिल्कुल ठीक है बच्ची का। म्यूजिक का इन शुरू बचपन तो बड़ा शौक सी, नात खानी का गाणिया का। तो स्कूल के इन्हें म्यूजिक जो दूसरे भावें मजबून उन्होंने नंबर ले नहीं इन्हें, तो म्यूजिक के 100/100 ही लेंदी होंगी सी। मेरा नाम इमरान जोसेफ है और तकरीबन 12-13 साल से आलिया के साथ एज ए असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं आलिया का कोलीग तो था ही, लेकिन आलिया ने उसके साथ साथ मुझे एक टीचर की तरह, एक उस्ताद की तरह मुझे म्यूज़िक भी सिखाया। और आलिया ने कभी भी अपनी जो ब्लाइंडनेस है आलिया को, उन्होंने कभी इसको अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। नूर जहाँ जी का बड़ा खूबसूरत नगमा था, अपने परचम तले हर सिपाही चले, 6 सितंबर 1965 में उन्होंने अपने साथियों के साथ गाया था। उसमें एक लफ्ज़ आया, हम वो नगमा बड़े गाया करते थे, बड़ी जिद्दत बड़ी शिद्दत से नगमा गाया करता था हमारा ग्रुप। तो उसमें एक लफ्ज़ आया, वक्त आए तो बन जाएंगे तीर हम, लेके एक दिन दिखा देंगे कश्मीर हम। तो सारी ब्लाइंड कम्युनिटी से आवाज़ आई, ओए अन्निया ते याने कश्मीर किस तरह ले के वखान गियाँ। स्पेशली जब मैं म्यूज़िक सीखती थी इंडिया में भी ख़ास तौर पे, तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत थी कि मैं किस तरीके से याद करूँगी। तो मैं ब्रेल में अपने नोट्स बनाया करती थी, क्योंकि अब आई साइट तो थी नहीं। शुक्र है अल्लाह की जात का, जिन्ना भी शुक्र करिए उन्ना ही थोड़ा वे। असी कभी इन महसूस ही नहीं होता कि मेरी बच्ची नू नज़र नहीं आता, ना मेरे बच्चों ने महसूस होता कि इनू नज़र नहीं आता। घर का काम अपने आप ही कर लेंदी। मैं ये नहीं इन्हिसार नहीं करती, मैं अपना काम अच्छे से खुद कर लेती हूँ। मतलब अपने बिस्तर को ठीक करना, अपना बिस्तर बिछाना, उसको तय लगा के रखना, फिर अपने मतलब जहाँ से मैं मान ले पौधों को जब मेरा दिल चाहे तो मैं भी कहती हूँ कि अमी लाए मुझे भी दें, मैं भी ये पानी लगाऊँ, कैसे लगाते हैं। आर्ट का कोई भी फॉर्म है वो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। म्यूजिक ना होता और होती मैं ब्लाइंड, फिर तो शायद मेरी जिंदगी में अधूरापन होता। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।